नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न के अंदर सूर्य का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा? जब सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगी, तब इसका फल मिलेगा। तो आइए प्रिय दर्शकों, देखते हैं सूर्य का फल। लाभाधिपति सूर्य जब लग्न में बैठ जाता है तो यहाँ पे नीच राशि का हो जाता है, फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छा फल देगा। व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही साहसिक होता है और अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होता है। बंदा धार्मिक होता है, दिखने में मध्यम सुंदर गेहूवर्णी, उसके बाल थोड़े भूखरे कलर के होते हैं। वैवाहिक जीवन में मतभेद होता है लेकिन पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलता है। और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट नौकरी के योग मिलते हैं, गवर्नमेंट नौकरी से फायदा होता है। ऐसे लोगों को पिता से भी बहुत प्यार देखा गया है। सूर्य जब दूसरे भाव में बैठे, लाभाधिपति सूर्य जब दूसरे भाव में बैठ जाता है तो कुटुंब का सुख बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुटुंब से मतभेद और टकराव भी करवाता है। व्यक्ति बहुत मेहनत करके जीरो में से हीरो बनता है और बहुत धन कमाता है और धनवान होता है, लाखों की प्रॉपर्टी बनाता है, उसे कुटुंब की मदद भी मिलती है और वो इंसान अपने उसूलों पे जीता है। ऐसे लोगों को समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लेकिन ऐसे लोगों की वाणी में कटुता देखी गई है, थोड़ा घमंड देखा गया है, दांतों में सड़न देखी गई है और ऐसे लोगों की राइट आंख कमजोर होती है। लाभाधिपति सूर्य जब तीसरे भाव में बैठ जाता है तो बंदा बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होता है, लेकिन मेहनत के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर पाता। व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है, धर्मिष्ठ होता है और बहुत ही मेहनत करने के बाद धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता है। पिता से लगाव होता है और 25 साल के बाद धीरे धीरे भाग्योदय शुरू होता है। छोटी मोटी सफर करता रहता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। खुद अपने आप को बहुत ही नसीबदार समझता है, यशस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, दयालु होता है और बहुत ही साहसिक देखा गया है। लाभाधिपति सूर्य चौथे भाव में हो तो यहां पे शत्रु राशि का है। व्यक्ति बहुत मेहनत करके बहुत ही काबिलियत से 36 साल के बाद अपना मकान बनाता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, अपना वाहन खरीदता है। माता का सुख अच्छा होता है लेकिन माता की तबीयत नरम गरम रहती है। ज्यादातर चौथे स्थान में सूर्य हो शत्रु राशि का तो हार्ट का प्रॉब्लम, हृदय रोग का प्रॉब्लम देखा गया है। ऐसे लोगों को अपना हार्ट का चेकिंग कराते रहना चाहिए। और चौथे स्थान में हो तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और सूर्य के लगते व्यापार से भी फायदा होता है। बंदा धर्म को मानने वाला होता है, शास्त्रों को मानने वाला होता है। लाभाधिपति सूर्य पंचम भाव में हो तो यहाँ पे भी शत्रु राशि का हो जाता है, पहला पुत्र होने की संभावना बनती है। पढ़ाई में थोड़ी रुकावटें आती है लेकिन डिग्री प्राप्त करके ही रहता है। और पंचम भाव में सूर्य हो तो पिता की मिल्कत मिलती है, शेयर बाजार से फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे तो। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, तर्क बुद्धि बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोगों के पिता बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। सूर्य की दृष्टि यहां होने की वजह से बड़े भाई से लाभ, मित्रों से लाभ होता है। सूर्य पंचम भाव में हो तो व्यक्ति को साइंस लाइन में जाने से फायदा होता है। कोई बच्चा पढ़ाई करता हो तो साइंस में जाने से फायदा होता है। लाभाधिपति सूर्य अगर छठवें भाव में बैठा हो तो यह स्थान अच्छा नहीं माना है, लेकिन फिर भी छठवें स्थान में सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे लोगों को मैंने समाज सेवक देखा है, मामा का सुख अच्छा मिलता है, नौकरी के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी के योग भी होते हैं। अगर छठवें भाव में सूर्य हो तो ऐसे लोगों को कायदा कानून कोर्ट कचहरी में सफलता भी प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को प्रिंटिंग प्रेस के व्यापार से लाभ होता है, शत्रुओं पे हावी हो जाते हैं। लेकिन सूर्य छठवें भाव में खराब फल भी देता है, आंखें कमजोर, हड्डियां कमजोर, कमर का प्रॉब्लम,
निंदा ज्यादा होती है, उसके पीठ के पीछे उसकी काफी निंदाएं होती है, और ऐसे लोगों को धन कमाने के लिए विदेश जाने के भी योग बनते हैं। लाभाधिपति सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो यहां पे उच्च राशि का हो जाता है, पत्नी बहुत नसीबदार मिलती है और शादी के बाद जीवन में काफी सुख आता है, पार्टनरशिप के व्यापार से लाभ होता है, पिता का धन प्राप्त होता है, उसके पिताजी मान सम्मान प्रतिष्ठा वाले होते हैं और पिता के नाम से भी उसे मदद मिलती है, व्यक्ति का देखना व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाला होता है, मित्रों से लाभ होता है, बड़े भाई से लाभ होता है और एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है। लाभाधिपति सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो तो जीवन में बहुत कठिनाइयां बहुत तकलीफें आती है और बहुत कठिनाइयों का सामना करके धीरे धीरे अपने जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। काफी बार ऐसा भी देखा गया कि पिता का कर्जा चुकाने के योग बनते हैं और पैसे कमाने के लिए व्यक्ति को अपने राज्य से दूर जाना पड़ता है, अपने स्थान से दूर जाना पड़ता है, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है। अष्टम भाव में सूर्य वैवाहिक जीवन को भी दूषित करता है और वैवाहिक जीवन के अंदर मतभेद टकराव बनवाता है। अगर सप्तमाधिपति अगर जो पीड़ित हो और सूर्य अष्टम भाव में हो तो शादी तोड़वाने का भी काम करता है। अष्टम भाव में सूर्य हो तो हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। सूर्य की दृष्टि यहां होने की वजह से राइट आंख कमजोर होती है और कुटुंब के साथ मतभेद बढ़ता है। लाभाधिपति सूर्य अगर नवम भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देगा, बंदा भाग्यशाली नसीबदार होगा और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला होगा, गुरु ब्राह्मण को मान देने वाला होगा, पूजा पाठ होम हवन में श्रद्धा रखने वाला होगा। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट नौकरी से बहुत फायदा होता है और लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और भाई बहनों की मदद भी अच्छी मिलती है और वो खुद भी भाई बहनों को काफी सपोर्ट करते हैं। लाभाधिपति सूर्य अगर दसम भाव में हो तो यहाँ पे दिशा बली हो जाता है, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी के अंदर उच्च पद प्राप्त करते हैं, स्थावर मिलकर भी बनाते हैं, अपनी खुद की मेहनत से अपना मकान गाड़ी प्रॉपर्टी सब बनाते हैं और समाज के अंदर उसे मान सम्मान की नजरों से देखा गया है। सूर्य अगर दसम भाव में हो तो एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है, एक अच्छा शिक्षक बन सकता है और सूर्य के लगते व्यापार से लाभ होता है। सूर्य 11वें स्थान में लाभ स्थान में स्वग्रही हो तो बहुत अच्छा फल देगा, बंदा अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से जीवन के अंदर सर्वसुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, बड़े भाई से लाभ, मित्रों से लाभ, व्यापार के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करना, पत्नी सुख अच्छा, बच्चों का सुख अच्छा, अच्छी पढ़ाई और कम मेहनत के अंदर ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाला, पिता की प्रॉपर्टी भी मिलती है, अचानक कोई बड़ा वारसा भी मिलता है। लाभाधिपति सूर्य अगर 12वें स्थान में हो तो विदेश जाने के योग बनते हैं, विदेश जाके बहुत धन कमाने के योग बनते हैं और 12वें स्थान में सूर्य हो तो व्यक्ति काफी अच्छा सुख प्राप्त करते देखा गया है। यह स्थान अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे मित्र राशि का है और लाभ स्थान से दूसरे स्थान में है तो 12वें स्थान में बहुत अच्छा देखा गया कि ऐसे लोग बहुत अच्छी इनकम प्राप्त करते हैं, उतना खर्चा भी करते हैं, उसके मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य का प्रेडिक्शन करते समय सूर्य का बलाबल कितना है वो देखना जरूरी है, उसकी डिग्री कितनी है वो देखना जरूरी है, उसकी षडबल में स्थिति क्या है वो देखना आवश्यक है कि उसका स्थान बल काल बल दिशा बल दृष्टि बल चेष्टा बल नैसर्गिक बल कितना है वो सब देखना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया तुला लग्न के अंदर सूर्य का 12 भाव में फल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।